शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से यही कि तुम्हारी जो दीदू है ना, वो चाहती नहीं है कि तुम कभी आगे बढ़ो। वो तुम्हारी खूबसूरती से जो जलती है। और 5 लाख आप दे सकते हैं, उसके लिए भी हमें जेल जाना होगा। हमारा घर भी तो तुम्हें जेल ही लगता है। तो वहीं रहो। बाकी मैंने सब संभाल ली, अब कुणाल तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पर उसके साथ ही उसका तमाशा भी। बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। वहां सब परेशान हो रहे होंगे, उन्हें बता देती हूं कि कीर्ति को कली भेज रही हूं माफी मांगने। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूँ। बेटा थोड़ा तो नाश्ता कर लीजिए। लीजिए। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। मन कैसे लगेगा भाभी, जब बहुरानी ने मिर्ची और हिंग का तड़का लगा दिया हो जिंदगी में, और वो बेशरम तो मजे से निवाले गटक रही होगी। तुम्हें जेल की हवा लग गई क्या, जो घर वापस आ गई? वाह, हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एक 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 मिनट, क्या कहा तुमने? शर्मिंदा है, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई? नहीं नहीं नहीं, हमें ना ठीक से सुनाई नहीं दिया। एक काम करो, फिर से बोलो और जरा जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो। हमने कहा हमसे गलती हो गई, हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर दीजिए। बड़ी जल्दी समझ में आ गया। कोई बात नहीं, वरुण जी, हम जानते हैं कि बार बार गलतियां करते हैं और आप हमें बार बार माफ कर देते। प्लीज, इस बार भी हमें माफ कर दीजिए। अरुण बेटा, ये अपनी गलती मान रही है तो माफ कर दीजिए ना। अरुण, कीर्ति, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बातें छुपाती रहोगी तो ऐसे तो हम कभी परिवार नहीं बन पाएंगे। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी। बस कीर्ति, आज के बाद ये गलती फिर से मत करना, क्योंकि मैं एक बार और ये गलती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वादा करो मुझसे, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी। मैं
भाभी ये स्वीटू भी ना नए नए तरीके ढूंढ निकालती है हम सबको चौंकाने के। देखिए माफी मांगते हम सबको चौंका दिया। इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता है, हम मिठाई लेकर आते। हाँ ले आई और खुद भी थोड़ी बहुत खा लेते। अभी आते। अपने ही मम्मी पापा के घर में हमारे लिए जगह नहीं और यहाँ ये नौटंकी सहनी पड़ रही है। सब दीदू की मेहरबानी। मेरे पेपर्स सारे बिखर गए। फाइल रखनी चाहिए थी मेरे को। अब वो माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं और टकरा गया। देखा तो मैंने भी नहीं है आपको। नहीं आए हो जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मेरे ऑफिस के केबिन में से रख के आ जाओ। जी मैम। जाओ। अरे किया तुम ठीक तो हो ना? कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। वैसे क्या नाम बताया इसका? अभय नाम है इसका, वो मेरा इंटर्न है नया। किस्मत वाली हो जो इतना हैंडसम इंटर्न मिला है। वैसे मुझे लगता है कि अभय की शादी तो नहीं हुई होगी। अब मेरी नजर इतनी कमजोर भी नहीं, और इसकी नजर तो ऐसी कि जिसको एक बार देखे बस दिल दे जाए। वो बात है इसमें। वरुण जी ये क्या है? ये हमारे लिए है। Of course, तुम्हारे अलावा किसी और के लिए गिफ्ट ला सकता हूँ मैं, स्वीटू? हाँ, मैं देख मैं। हाँ, चलो, इसे खोल दे। खोल के तो देखो। हम देखते हैं। बलून? क्या है वरुण जी? मैं तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, ये? हाँ ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। कीर्ति, आज से बल्कि अभी से तुम अपना कॉलेज दोबारा से ज्वाइन कर रही हो। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करूंगा। ओके चलिए पिक्चर देखने चलना है, हमें देरी हो रही है। चलिए तुम सही कह रही हो, देर हो रही लेकिन कॉलेज जाने के लिए। फिटू
हम बाहर भी जाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे, लेकिन छुट्टी वाले दिन, ओके? क्यों वरुण जी, हमें आज जाना है, हम आज क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें पता है कीर्ति, मैं बहुत परेशान था कि तुम्हारी ये हरकतें कब बंद होगी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि तुम पूरा दिन खाली रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये फालतू के ख्याल आते हैं। और एक मिनट वरुण जी, हम ना फालतू नहीं है। स्वीटू, मैं जानता हूँ कॉलेज पूरा करके तुम हमारी सबसे ज्यादा होशियार और लायक स्वीटू बन के दिखाओगे। चलो अब मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें कॉलेज भी छोड़ दूंगा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, ओके? हमें पता है ये सब ना पापा मम्मी और दीदू के कारण हो रहा है। देखो ना कब से अटक गया है, खुल ही नहीं रहा है, आप ट्राई करते रहिए, शायद आपसे खुल जाए। आप देख रहे हो, अरे किया ये लो, क्या कर रही हो, थोड़ी मेहनत करवाने दो ना, समझती नहीं हो तुम, समझा करो। अरे अभय अभी तक नहीं खुला, कोशिश कर रहा हूं। अरे ये देखो, ये तो इसी चाबी से खुल गया। देखो ना ये तो चाबी से ही खुल गया। श्रद्धा तुम एक काम करो ना, जाकर अपने डिजाइन्स पर काम कर लो तब तक। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अभय वो इसी ड्रॉर में क्रीम है, एक्चुअली ड्रॉर खोलते टाइम मुझे हाथ में चोट आ गई, तुम प्लीज लगा दोगे क्या? मैं प्लीज ठीक है। तुम्हें मैंने कल कुछ आखिरी में डिजाइन दिए थे ना, जिसके प्रिंट आउट निकालने थे, तो कहाँ है वो, दिखाओ जरा। तो जो काम जरूरी है ना पहले उसे करो, जाओ मुझे उसके लिए कलर भी चुनने हैं। मैं अभी बना देता हूँ। जाओ और ये मुझे दो। किया तुम्हें कहाँ चोट लगी है दिखाओ, मैं लगा देती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा ये रख लो। बहुत कह रहे थे कि काम की जरूरत है, और काम के नाम पे यहाँ पे क्या क्या मेहनत हो रही है ना, सब दिख रहा है मुझे। किलो पानी। लाओ बैग दे दो, थक जाओगी। सोनिया आज तक तो तुमने हमारी इतनी सेवा कभी नहीं की। अब देखो ना वरुण, जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी के हर पल पल के फैसले ले रहा है, कोई एक तो होना चाहिए ना तुम्हारी सेवा करने के लिए। काम से काम रखा करो सोनिया। हमें पता था अब तुम हमसे मदद लोगी भी क्यों, क्योंकि तुम्हारा भरोसा जो उठ गया सबसे। अब देखो ना कि तुम्हारे अपने घर वाले जब तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हारे सपनों का साथ नहीं दे रहे, तो तुम हम पे कैसे भरोसा करोगी भला, है ना? सोनिया तुम कहना क्या चाहती हो,
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कीर्ति, हमें ना तुम गलत मत समझना, पर इस वक्त ना सिर्फ हम ही हैं जो तुम्हें समझ सकते हैं। देखो हम तुम्हें भड़का तो नहीं रहे, लेकिन श्रद्धा ने जैसे सबको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है ना, छी, ऐसे कोई बहन करती है भला अपनी बहन के साथ, वो भी इस हालत में। देखो हम तो तुम्हारे सगे भी नहीं है, लेकिन हमें ना बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम ना तुम्हारा बहुत ख्याल रखें। वैसे भी हमने तुम्हारे मम्मी पापा को देखा है कि वो श्रद्धा का ज्यादा साथ देते हैं और तुम्हारा नहीं, और हर बार तुम ही थोड़ी ना गलत हो सकती हो। अब देखो ना, अभय ने श्रद्धा के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी वो तुम्हारे घर पे रह रहा है, लेकिन तुम अपने घर पे नहीं जा सकती। ये कैसी नाइंसाफी है। अरे श्रद्धा मेरी बात तो सुनो, मैंने किया क्या? अरे श्रद्धा तुम नाराज क्यों हो? मैंने किया क्या है? जो जो तुमने बोला था वो सब काम किए मैंने। आप जो काम वहाँ कर रहे थे ना, सब देखा मैंने। मेरे पूरे टेबल पे फाइल्स फैली हुई थी। अगर आपको काम ऐसे ही करना था तो आप मुझे बता देते ना, आगे से मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। अच्छा वो अब कल देखना, मैं सारे काम कर दूंगा, और बचा हुआ काम मैं आज रात में कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा। अब तुम तो खुश हो जाओ। आपको जो करना है कीजिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। पर मैंने की श्रद्धा अरे बात तो सुन लो। बेटा ये श्रद्धा इतना तन्नाई हुई क्यों है? आंटी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, उसने जो जो काम बोले थे मैंने वो सब किए, फिर किया नहीं, मुझे अपने 10 काम दे दिए, मैं क्या करता? किया? वो श्रद्धा के बॉस की बेटी है, उसे श्रद्धा भी कुछ नहीं कहती, तो मेरी क्या मजाल है मैं उसे कुछ बोलूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ। ये गुस्से का उबाल चाय के लिए है या किया के लिए? मम्मी मैंने क्या कहा? मैं तो बस ये चाय तुम्हारी अरे ध्यान से बेटा हाथ चल जाएगा। अरे श्रद्धा चाय तो ले जाओ अपनी। क्या हो गया तुम्हें? अरे भाभी हम ऐसी खबर लेके आए हैं कि आप भी खुशी से पुल के कुप्पा हो जाएंगी। अरे अभय की नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये लीजिए मुंह मीठा करिए, आप भी खाइए। अरे बधाई हो तनुजा। अरे भाभी बधाई भी दुगनी दीजिए, क्योंकि अभय की नौकरी हमारी प्यारी बहू श्रद्धा के दफ्तर में ही लग गई है। अरे अरे सोनिया तुम ठीक हो? हाँ क्या हुआ? अरे भाभी देखिए इसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं खुशी के मारे। बधाई हो आपको भाभी, बहुत बहुत बधाई हो। देखिएगा आप भाभी, अभय और श्रद्धा 24 घंटे सातों दिन एक साथ रहेंगे, बुरे साए से भी दूर रहेंगे, तो श्रद्धा बहुत ही जल्द पिघल जाएगी। अभय हमारा जल्दी उसे ले आएगा, देखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है रितु। हाँ रितु, इस बात से एक उम्मीद तो बंधी है। भाभी अब हमारे घर का मामला तो खत्म हो गया, अभय सब कुछ संभाल ही लेगा, बस आप ना अब कीर्ति को संभालिए, क्योंकि श्रद्धा तो अभी तक घर से वापस नहीं आई है, और जब कीर्ति घर से वापस लौटी थी तभी आपसे माफी मांगी थी, क्योंकि श्रद्धा ने उसे बोला होगा ना। अरे वही उसे संभालती है ना भाभी। तनुजा कीर्ति को हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
बधाई हो श्रद्धा, तुम्हें तो आज पार्टी देनी चाहिए ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है। कैसी खुशखबरी बेटा? श्रद्धा की नौकरी लग गई है मुंबई में आंटी जी। श्रद्धा तुम्हारी नफरत तो मेरी नफरत के भी आगे निकल गई। अरे यार हो गई गलती मुझसे, क्या नहीं किया मैंने, अरे दिल से माफी मांगी है मैंने तुमसे, पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब नहीं रोकूंगा तुम्हें, ना ही मनाने आऊंगा तुम्हें, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें आज के बाद, तुम मुझसे आजाद हो जाओ।